हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, या आप रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एनडीए की तैयारी में लगे हो, ये कोर्स आप सबके लिए है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी इंग्लिश की स्पेशल कोर्स सीरीज चल रही है, और हमने पहले ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो टॉपिक्स नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को। आज हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम एडजेक्टिव्स के इंट्रोडक्शन, टाइप्स और डिग्रीज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव्स के डेफिनेशन को। डेफिनेशन तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों को अगर डेफिनेशन नहीं मालूम है कि एडजेक्टिव्स एक्चुअली में होते क्या हैं, उनके लिए डेफिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग वर्ड्स। एग्जाम्पल्स, द ट्रक शेप्ड बलून फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप्स एंड माई हस्बैंड नीड्स इंट्रिकेटली पैटर्न्ड मेडल्स। एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें बदलते हैं। और बदल कर वो क्या करते हैं, या तो वो उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, या तो उनकी कोई आइडेंटिफाइंग आइडेंटिटी ऐसी कुछ बातें बता रहे हो, या उन्हें क्वांटिफाई कर रहे हो। इन शॉर्ट, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छी बात, बुरी बात, कोई भी क्वालिटी या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, वैसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, द ट्रक शेप्ड बलून फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप्स। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन कौन कौन सा है, हमारे पास है यहाँ जो नाउन है ये बलून है। बलून हमारा क्या है, ये नाउन है। और इसे मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ट्रक शेप्ड, यानी कि ये जो बलून था वो किस शेप का था, ट्रक शेप था। तो ये क्या कर रहा है, ये बलून की विशेषता बता रहा है कि ट्रक शेप्ड वर्ड है वो बलून की विशेषता बता रहा है। इसलिए बलून हमारा नाउन है और इसे क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे ट्रक शेप्ड एडजेक्टिव। तो ऐसे जो भी वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वांटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कोई भी अच्छी बात, बुरी बात, कुछ भी वो बताते हैं, वैसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं और यहाँ समझते हैं कि यहाँ एडजेक्टिव क्या है। माई हस्बैंड नीड्स इंट्रिकेटली पैटर्न्ड मिटन्स। माई हस्बैंड नीड्स इंट्रिकेटली पैटर्न्ड मिटन्स। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नाउन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तो हस्बैंड नाउन, दूसरा हमारे पास मिटन्स, मिटन्स भी हमारे पास नाउन है। अब इसमें एडजेक्टिव कहाँ, यहाँ पे हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो इंट्रिकेटली पैटर्न्ड मिटन्स। इंट्रिकेटली पैटर्न्ड ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और मिटन हमारा क्या है, नाउन, यानी कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे पति, वो बहुत ही इंट्रिकेट, इंट्रिकेट यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट पैटर्न वाले मिटन्स को निट करते हैं यानी बुनते हैं। तो मिटन्स के लिए हमारे, मिटन्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, इंट्रिकेटली पैटर्न्ड एडजेक्टिव आया है जो मिटन्स को क्वालिफाई कर रहा है। इसको हम आगे और सारे एग्जांपल से भी समझेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आगे आज के सेशन में हमारे पास क्या है। एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन तो हमने कर ली, अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के टाइप्स को, यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, सबसे पहले बात करें हम तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ये कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स डिग्रीज में भी होती है, ये एक्चुअली डिग्रीज हैं जिन्हें हम टाइप्स भी बोलते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। We use comparative adjectives when talking about or comparing two things, not three or more things. देखिए हमारे पास जितने भी adjectives word होंगे वो तीन forms में होंगे, या तो वो positive होंगे, या तो वो comparative होंगे, या तो वो superlative होंगे। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, इन्हें हम degrees बोलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे दो टाइप्स हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हम केवल दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, केवल और केवल दो चीज़ों को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैक इज टॉलर देन पीटर।
जैक इज टॉलर देन पीटर, जैक पीटर से लंबा है। यहाँ हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? यहाँ हम कंपैरिजन जैक और पीटर के बीच में कर रहे हैं, यानी केवल और केवल दो लोग, दो से ज्यादा लोग नहीं। तो यहाँ जो टॉलर है ये क्या है? हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। टॉल हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, टॉलर हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव और टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यानी कि थर्ड वन, एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये अगेन यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास है टॉल, यहाँ पे हमारे पास है टॉलर और यहाँ पे है हमारे पास टॉलेस्ट। टॉल ये एक पॉजिटिव बात है कि कोई इंसान लंबा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टॉलर, जैक इज टॉलर देन पीटर, जैक पीटर से लंबा। दो लोगों के बीच में हम कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि कौन ज्यादा लंबा। और टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हम तब यूज करेंगे किसी भी एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हम तभी यूज करते हैं जब वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बतानी है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे जैक इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? हम जैक को बाकी सारे लड़कों से टॉलेस्ट बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जैक जो है वो बाकी सारे लड़कों से टॉलेस्ट है, सबसे लंबा कौन है? जैक। तो यहाँ हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वन थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन है। एक तरफ जैक है और एक तरफ पूरा क्लास है, यानी कि सारे ही स्टूडेंट्स हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जब भी हम एक ग्रुप में एक व्यक्ति को एक ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। इसके बाद जो हमारे पास एडजेक्टिव का टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगेन क्वालिटी, एडजेक्टिव में तो काम ही है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, उन्हें क्वालिफाई करना। सो ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन के नेचर के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो केवल और केवल उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, शीला इज अ ब्यूटिफुल वुमेन, शीला इज अ ब्यूटिफुल वुमेन। शीला क्या है? हमारे पास नाउन है। वुमेन क्या है? हमारे पास ये भी नाउन। तो शीला कैसी नाउन है? शीला हमारे पास प्रॉपर नाउन है और वुमेन हमारे पास कॉमन नाउन है। और एडजेक्टिव यहाँ पे कौन सा है? एडजेक्टिव हमारे पास है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, ये शीला के लिए है। शीला क्या है? ब्यूटीफुल वुमेन है। शीला क्या है? ब्यूटीफुल वुमेन है। शीला एक खूबसूरत औरत है। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ क्या कर रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है, ये शीला की क्वालिटी बता रहा है कि वो एक सुंदर स्त्री है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या नंबर। क्वालिटी की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी के बारे में, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें अमाउंट या अप्रोक्सीमेट अमाउंट दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड। वैसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड अमाउंट को शो करते हैं, किसी नंबर को, किसी क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा दिखाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर, मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर। यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है? यहाँ पे हमारे पास पीपल नाउन है और फेयर नाउन। तो मेनी पीपल केम टू, ये मेनी और एडजेक्टिव हमारे पास है मेनी। तो ये जो एडजेक्टिव है मेनी, ये किसके लिए आया है? ये पीपल के लिए आया, यानी कि बहुत सारे लोग मेला देखने आए। मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर, बहुत सारे लोग मेला देखने आए। तो यहाँ मेनी क्या है? ये क्वांटिटी दिखाता है, ये मेनी हमारा क्वांटिटी दिखाता है, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें हम पॉइंट आउट या इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब ही होता है, जब हम कहते हैं कि हम कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वैसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए बताते हैं. जैसे कि हमारे पास है दिस, दैट, दीज, दोज. आई रियली लाइक दीज शूज. आई रियली लाइक दिस शूज. हमारे पास नाउन यहाँ पे क्या है, हमारे पास नाउन है शूज. तो ये जो दोज आया है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. और ये कैसा एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ये बता रहा है कि कौन से वाले शूज मुझे पसंद है. आई रियली लाइक दो शूज. हम दो शूज की बात कर रहे हैं, किसी और जूते की बात नहीं कर रहे हैं. ये बता रहा है, यहाँ ये पॉइंट आउट कर रहा है साफ साफ कि हमें कौन से जूते, मुझे कौन से जूते पसंद है. तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब नाम से ही ये क्लियर है कि इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है. इंटेरोगेट करने का मतलब होता है क्वेश्चन करना. तो ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हो और एडजेक्टिव का काम कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, वो रिलेटिव हो किसे, नाउन से, तो वैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे हमारे पास है वेयर, व्हाट, व्हिच एंड हूज. हमारे पास है एग्जांपल, हूज पेन इज दिस. हूज पेन इज दिस, नाउन क्या है हमारे पास, पेन. तो ये जो हूज आया है ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम करेगा. और ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा पेन यानी कि नाउन से रिलेटेड है. तो वैसे वर्ड्स जो क्वेश्चन के फॉर्म में हो यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स, जैसे कि विच, व्हाट, हूम, वेयर, और वो किसी नाउन के लिए आया हो, किसी नाउन से रिलेटेड हो, उन्हें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव. दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी रीअरेंज्ड इन सीरीज इजीली एंड आर स्टिल ग्रामेटिकली साउंड. काफी इंपॉर्टेंट है ये. बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि इस टाइप का एडजेक्टिव भी होता है. कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें एक ही नाउन के बहुत सारी खूबियां या खामियां या क्वालिटीज बतानी हो, तो उसके लिए हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं सेंटेंस में. ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में वे सारे वर्ड्स जो कि अरेंज किए जा सकते हैं सीरीज में, रीअरेंज्ड इन सीरीज इजीली सेंटेंस में, उन्हें आसानी से अरेंज किया जा सकता हो और उसके बाद भी वो ग्रामेटिकली सही हो, ऐसे ही एडजेक्टिव्स को, ऐसे ही वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं. चलिए एग्जांपल से समझते हैं. शी वाज अ काइंड, जेनरस, लविंग ह्यूमन बीइंग. शी वाज अ काइंड, जेनरस. यहाँ पे हमारे पास शी क्या है, प्रोनाउन. ह्यूमन बीइंग क्या है हमारे पास, नाउन. और ये काइंड, जेनरस और लविंग किसके लिए आया है, इस ह्यूमन बीइंग के लिए आया है. हमारे पास एडजेक्टिव्स क्या क्या है, काइंड है, जेनरस है, लविंग. हमारे पास तीन एडजेक्टिव्स हैं और इसे हम जब अरेंज करते हैं काइंड, जेनरस और लविंग के फॉर्म में, तो भी ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है. शी वाज काइंड, यहाँ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं. तो ये सारे एडजेक्टिव्स कैसे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं. जब भी किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हो और उन्हें सीरीज में अरेंज किया जाए और वो ग्रामेटिकली सही हो, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स बोलते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप को देखते हैं. जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव. इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम रीअरेंज नहीं कर सकते हैं. दिस डू नॉट यूज कॉमास टू सेपरेट एडजेक्टिव्स. इन्हें हम रीअरेंज नहीं कर सकते. इन्हें हमें अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं तो इन्हें हम अरेंज नहीं कर सकते, इन्हें एक साथ ही हमें बोलना होगा. इसको एक बार कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव से देखते हैं कि वो कैसे अलग है. चलिए वापस हम आ चुके हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स पर. यहाँ हमने देखा था कि जब हम एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है, काइंड है, जेनरस है एंड लविंग. इसे हमने कॉमा से सेपरेट किया है ताकि ये सेंटेंस का सेंस हमारा बना रहे, काइंड हम अलग बोल रहे हैं, फिर कॉमा, फिर जेनरस एंड देन कॉमा एंड देन लविंग. लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में, नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में हम कॉमास यूज नहीं करते हैं उसे सेपरेट करने के लिए. सेंटेंस में जब भी दो एडजेक्टिव्स आएंगे तो उन्हें हम बिना कॉमा के ही लिखेंगे. जैसे कि हमारे पास है शी हैज़ टू एनर्जेटिक प्लेफुल डॉग्स. शी हैज़ टू एनर्जेटिक प्लेफुल. अब हमारे पास नाउन क्या है, यहाँ पे है डॉग्स
तो ये जो वर्ड्स आए हैं एडजेक्टिव यानी कि एनर्जेटिक और प्लेफुल, ये किसके लिए आए हैं? ये हमारे डॉग के लिए आए हैं, एनर्जेटिक और प्लेफुल डॉग के लिए आए हैं। और इसे हमने कॉमा से सेपरेट नहीं किया है, यानी कि हमें यहाँ कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ टू एनर्जेटिक प्लेफुल डॉग्स, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स को हम नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स बोलते हैं। चलिए, तो ये तो थे हमारे एडजेक्टिव की टाइप्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिग्रीज, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम एरर्स की बात करें, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं। तो डिग्री का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसे हम अच्छे से समझ लें, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं डिग्रीज क्या है हमारे पास। हमारे पास किसी भी एडजेक्टिव के तीन डिग्रीज होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब्स के अलग फॉर्म होते हैं, वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उन्हें अलग अलग सेंटेंस टाइप्स में हम यूज़ करते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव्स के भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। पहला हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री, जो कि कोई भी बेस एडजेक्टिव होता है। देन हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री, एंड देन हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। इसे हमने ऊपर टाइप्स में भी पढ़ा था। पॉजिटिव कोई भी जनरल एडजेक्टिव, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, टॉल, या फिर हम मान लेते हैं हमारे पास है बिग। तो जब भी हम दो लोगों में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ नाम से हमें पता चल रहा है कंपैरेटिव, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो कंपैरेटिव में हमारा टॉल कैसे हो जाएगा, टॉल हमारा हो जाएगा टॉलर, और बिग हो जाएगा हमारा बिगर। जब भी हम दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं। और अगर हम एक को पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे केस में हम क्या करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। यानी कि टॉल का क्या हो जाएगा हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, और बिग का, बिगर का सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है, और वहाँ पे जो है कंपैरेटिव की जगह या तो सुपरलेटिव या तो पॉजिटिव डिग्रीज दी गई रहती है, और वही एरर्स हमें पहचानने होते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अ गुड बॉय, गुड क्या है हमारा, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय। यहाँ पे हमारे कंपैरिजन किससे है, एक का कंपैरिजन हम कर रहे हैं अलग अदर बॉय, यानी कि डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो दो लोगों के बीच में है। किसी दूसरे लड़के से हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो किसी दूसरे लड़के से अच्छा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, और ही इज द बेस्ट बॉय, यानी कि वो सारे लड़कों में ही अच्छा, ही इज द बेस्ट बॉय, उसे हम क्या कर रहे हैं कि सारे लड़कों से अच्छा बोल रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। तो ये हमारा कैसे है, सुपरलेटिव डिग्री है। ये था आज के सेशन में हमारे एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड डिग्रीज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल्स और ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिन रूल्स को यूज करके हम एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।